गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। हम है डॉक्टर आशीष शुक्ला। आज मैं आपको बताऊंगा गोल के बारे में। आप सबका गोल है क्या? गोल है आपका? आपका गोल क्या है? अब एक काम करिए, उसको अगर डॉक्टर लिखा है, इंजीनियर लिखा है, आईएएस लिखा है, उसको काट दीजिए। जी, ये नई खोज हुई है साइकोलॉजी ऑफ गोल में। जब आप गोल बनाते हैं, उसको प्यार से काट दीजिए। मैं बताता हूं क्यों काटवाया मैंने आपसे। गोल की साइकोलॉजी में ये शॉकिंग न्यूज है। कल मैंने आपके टीचरों को बताया था, यहां पर नहीं, दूसरे स्कूल के टीचरों को, और जब उनको बताया, उन्होंने कहा, हां सर, ये तो बात एकदम सही है, आपने एकदम बात बताई। ये तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं जैसे बच्चों को ना बॉम्ब, टाइम बॉम्ब दे रहे हैं। अगर आपका गोल जो भी है, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, ये सब अगर आपका गोल है और उस गोल को आप लोग बार बार बोलते भी होंगे, पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। क्यों? रिसर्च में देखा गया है कि जैसे ही आपने अपना गोल बनाया और किसी को बताया, तो उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कहते हैं जैसे ही, उनका ये कहना है कि हम लोग जो भी काम करते हैं, हम जो भी काम करते हैं, उसके पीछे एक साइकोलॉजी होती है। हम टीवी देखते हैं तो उसके पीछे साइकोलॉजी होती है। उसमें कोई कॉमेडी सीन आ रहा है तो अच्छा लगता है, कोई रोने वाला सीन आ रहा है और मुझे रोना अच्छा लगता है। हम लोग गाने सुनते हैं ना, रोने वाले गाने सुनते रहते हैं, नहीं सुनती? हमारे यहाँ एक मैडम है, वो दिन भर आंसुओं में अरमा बह गए। लेकिन वो ऐसा नहीं है, उनको ना याद आती होगी, कहीं पर कुछ हुआ था उनके साथ, उसको बार बार रिपीट करती होंगी, उनको अच्छा लगता होगा। तो हर चीज, जो भी हम काम करते हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ साइकोलॉजी होती है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो हम गोल बनाते हैं, उसके पीछे एक बहुत स्पेसिफिक साइकोलॉजी होती है और वो काम करती है। हम जैसे ही अपना गोल बनाकर किसी को बताते हैं, तो हमको कुछ मिलता है तुरंत, और उसको बोलते हैं प्रॉक्सी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जानते हैं सब लोग? रिस्पेक्ट मतलब, आई सर, ये रिस्पेक्ट है। और प्रॉक्सी मतलब नकली, नकली रिस्पेक्ट मिलता है। तो बेटा क्या बनने वाले हो, क्या बनना चाहते हो? सर आईएएस। ये अकड़ क्यों है? क्योंकि अगली बार जब सर देखेंगे ना, बोलेंगे ये लड़का, जानते हो, ये शुक्ला जी का लड़का आईएएस बनना चाहता है, आईएएस। तो उसको एक रिस्पेक्ट मिलती है। लेकिन वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी अभी, कब मिलनी चाहिए थी? तो जब जो रिस्पेक्ट आपको बाद में मिलता है, मिलना चाहिए, वो पहले मिल जाता है, तो आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? इसी इज्जत के लिए? और किस लिए बनना चाहते हैं? लाल बत्ती के लिए, नौकर चाकर के लिए, इज्जत के लिए? और वो इज्जत आपको पहले मिल गई, तो उसके लिए जो एफर्ट आप डालते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो कम हो जाती है। इसके लिए बाकायदा स्टडी हुई है बहुत बहुत समय तक। उन्होंने क्या किया साइंटिस्ट्स ने, कि एक बड़े से ग्रुप को, 500-600 लोगों को इकट्ठा किया, और बच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग, और उन सबको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट को उन्होंने कहा कि ये आपका गोल है, दोनों को सेम गोल दिया, ये गोल है आपको, और इस गोल को पूरा करने के लिए एक घंटे का समय है, और उसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे आपको, ये करेंगे तब ये होगा, फिर ये होगा। और एक ग्रुप को बोला कि इसको किसी को नहीं बताना है, अगर आपने किसी को अपना गोल बताया तो आपको प्राइज नहीं मिलेगा। और दूसरे ग्रुप को बताया गया कि आपको अपना गोल बताना है, ठीक, और दोनों को एक एक घंटे का समय दिया गया। और साथ ही साथ ये भी बोला गया कि बीच में अगर आपको एक काम छोड़ना हो, नहीं करना हो, तो आप छोड़ सकते हो, ये आपकी फ्रीडम है। देखा गया जिस ग्रुप ने अपना गोल बता दिया था, उस ग्रुप ने एवरेज एक घंटे में से केवल 33 मिनट तक काम किया, और उसके बाद उनका फीडबैक था, हाँ सर हो जाएगा, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरे ग्रुप ने, जिसने
उस गोल को नहीं बताया था, उन्होंने पूरे 1 घंटे काम किया और 1 घंटे के बाद उनके मन में फीलिंग थी, सर अभी 1 घंटे में तो हुआ नहीं है, आगे पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो पहले ग्रुप को क्या हुआ? ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, काम कम हुआ। और दूसरे ग्रुप को कॉन्फिडेंस की कमी नहीं हुई, वो रियलिटी के पास आ गए। आपको मैंने दिया, चलो एक कमरे को साफ करना है, आप बोलेंगे सर हो जाएगा, सर कोई दिक्कत नहीं है, आधे के बाद थोड़ा सा बैठ ले, आराम कर ले। वो पहले वाले ग्रुप के साथ हुआ, और दूसरे ग्रुप ने उसको करने की कोशिश की और देखा यार इसमें कुछ मुश्किलें हैं, इतना आसान मामला नहीं है। तो अगर आप अपना गोल बनाते हो और किसी को बताते हो तो उसमें सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो नहीं होने वाला। ये सबसे नई चीज पता चली है गोल के बारे में। गोल हैज टू बी सीक्रेट। गोल क्या होना चाहिए? मम्मी पापा को भी नहीं पता चलना चाहिए। अगर पूछते हैं बेटा गोल क्या है, तुझे क्या बनना है लाइफ में, बोलो मम्मी अल्लाह मियां भगवान जो बना दे। उनको सोचने दो, उनको सोचने दो कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे लाइफ में गोल नहीं है, कोई बात नहीं, अंदर अंदर सोचते रहो। जितना अंदर सोचोगे, दबाए रखोगे, उतना ही वो दबी हुई एनर्जी आपको धक्का देगी काम करने के लिए। और बता दोगे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो हर तीसरे दिन बोलेंगे डॉक्टर बनना चाहते हो तुम, ऐसे ऐसे डॉक्टर बनोगे तुम, हाथ तो साफ करते नहीं खाना खाने से पहले, डॉक्टर बनेंगे, पढ़ते तो हो नहीं, डॉक्टर बनोगे। हर रोज आपको याद दिलाया जाएगा कि आप डॉक्टर नहीं बनने वाले, होता ऐसा कि नहीं? उनको बोलते मम्मी डॉक्टर नहीं बनने वाली, मैं भंगी बनने वाली हूं, मैं सफाई कर रही हूं। नहीं, यू डोंट हैव टू टेल योर गोल्स टू एनीबडी। किसी को अपना गोल बताना, बगल वाली को भी नहीं बताना है, पूछे क्या बनना चाहती हो। जितना देर तक चुप रह पाएंगे आप अपने गोल के बारे में, उतना ही जल्दी आपका चांसेस क्लियर बात कर रहा हूं। नहीं पता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को लगता है कि कल एक बार परसों नरसों में एक स्कूल में गया, प्रिंसिपल से बात हुई तो बोलते हैं सर आप ठीक कह रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो गोल होना चाहिए बच्चों का। मैंने कहा सर गया फिर पूछा। ये ऐसे ही है कि मैंने आपको बताया बेटा ये जो दवाई खा रहे हो ये जहर है, तो वो बोल रहा है सर थोड़ा बहुत तो जहर खा ही सकते हैं। गोल होना चाहिए लेकिन गोल किसी से बताना नहीं है आपको, क्लियर? क्या बता रही है? बगल वाली को मत बताना, सगी सहेली को भी नहीं बताना है, क्योंकि आपकी वो इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी और ये पता है वो फिर फैल जाएगी। जैसे ही आपने बता दिया, आपकी मुंह की जो पेट की एनर्जी है जो आपको काम कराना चाहती है वो फुस हवा निकल जाएगा, ठीक है? तो असली गोल क्या है पता नहीं, गोल क्या है पता नहीं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं असली गोल क्या है आपका, जो आपको रोज 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 याद होना चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछे कि आपका गोल क्या है तो आपको वो चीजें ऐसे रटी हुई होनी चाहिए। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आज आप घर जाएंगे तो करीब 1 दर्जन चार्ट पेपर खरीद लीजिएगा, सफेद 1 दर्जन चाहिए होंगे, ले लीजिएगा आप। जिस कमरे में आप रहते हैं सोते हैं उसका दीवार ले लीजिएगा आप, और उस पर हर एक चार्ट पेपर पे सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, जैसे इंग्लिश, और इंग्लिश में कितने चैप्टर्स हैं एक साइड में लिखिएगा, उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं वो लिखिएगा। चैप्टर मान लीजिए 20 चैप्टर हैं तो 20 चैप्टर का नाम लिख लीजिए, और 20 चैप्टर में हर चैप्टर में 5-5 टॉपिक हैं तो हर चैप्टर का टॉपिक का नाम लिख लीजिए, ठीक है? और उन सबको गुणे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए इंग्लिश में 20 चैप्टर हैं और हर चैप्टर में 5-5 टॉपिक हैं, टोटल कितना हो गया 100। 100 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 2500, 2500। आपका टारगेट या आपका गोल क्या है, ये 100 टॉपिक, ये 25 चैप्टर को, सॉरी 20 चैप्टर को जो गुड़े 100 है इसको 25 बार लिखना है। शुरू शुरू में आप लिखेंगे तो थक जाएंगे क्योंकि आप सब कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीक्रेट यह है नोट्स बनाने का कि आपको उसमें से खोजना पड़ेगा कि क्या पॉइंट है। जैसे आज का अगर मैं इतनी बातें कर रहा हूं, इसको अगर मैं किताब छापूं तो शायद 10 पेज की किताब बनेगी,
लेकिन इसका पॉइंट क्या है, गोल सीक्रेट होना चाहिए, ये इसकी समरी है, ये सार है। ऐसे ही आप धीमे धीमे क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स के ना सार खोज लेंगे, और उस सार को कितनी बार लिखना है, लिखना क्यों है, इसका बहुत स्पेसिफिक कारण है। साइको देखिए, हम सब की जो बॉडी है ना, ये कंट्रोल किससे होती है, माइंड से, ब्रेन से, खोपड़े से। अगर आप पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लिखते हैं तो याद रहता है, टीचरों ने बहुत बार बताया है, कम से कम 25 बार, क्योंकि जो आपका इम्तिहान है वो आपकी अकल का इम्तिहान नहीं होता, वो आपकी स्पीड का इम्तिहान होता है, वो आपकी आदत का इम्तिहान होता है। गणित में आपको लगता है कि आप समझदार हैं तो बहुत अच्छे नंबर पाएंगे, हम लोग क्या करते थे पता है, एक ही सवाल को 25-25 बार, 30-30 बार लगा लेते थे, ताकि सवाल का जो जवाब आने वाला है रटा हो। एग्जाम में मुझे कौन से सवाल का क्या जवाब आने वाला है सब पता होता था, तो कोई सिली मिस्टेक हो जाती थी तो मालूम हो जाता था, उसको काट कर तुरंत आंसर लिख देते थे। इसका मतलब रटना नहीं है, इसका मतलब है कि आपके ब्रेन में पूरा प्रोग्राम छप गया है, ए के बाद बी के बाद, ये आपने रटा है कि समझे, समझे भी और रटा भी है। 25 बार लिखा होगा एबीसीडी, कम से कम 250-300 बार लिखा होगा, शायद और ज्यादा बार। कुछ टीचर्स बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं, सर अपने शब्दों लिखते हैं तो क्या दिक्कत है, दिक्कत यह है कि आपके पास अपने शब्द है नहीं। एग्जाम में अगर आपको सोचना पड़ेगा तो आप शादी कर लीजिए पैसे वाले के साथ, क्योंकि वो नौकरी करेगा और घर पे बैठ के आप सोचेंगे। एग्जाम सोचने का नहीं होता, एग्जाम स्पीड का होता है, 3 घंटे का टाइम होता है, और अगर कोई बच्चा सोच सोच के लिख रहा है इसका मतलब है वो फिलोसोफर बनेगा, वो कुछ नहीं करेगा लाइफ में। ये बात क्लियर है कि नहीं, सोचो वाइवा होता है, ओरल एग्जाम होता है, ओरल एग्जाम में क्या बोलोगे, सर रुकिए मैं बताता हूं आपको, सेल काहे का बनता है, सर बहुत सी चीजों का बनता है, सेल बहुत सी चीजों का बनता है। अब जैसे कौन से सेल की बात कर रहे हैं सर, आप आदमी के सेल की बात कर रहे हैं कि जानवर के सेल की बात कर रहे हैं, ये जब आप सोचना शुरू करेंगे आप सोच सोच नहीं पाएंगे। एग्जाम सोच का नहीं है, विचार का नहीं है, समझदारी का नहीं है, एग्जाम काहे का है, स्पीड, रिफ्लेक्स। और उसके लिए आपको अपने घर में 5 किलो रद्दी के भाव पेपर लाना पड़ेगा, 5-10 किलो। मेरे 12th के बोर्ड के पहले मैंने जमीन से करीब इतना, मैंने जब वो रद्दी बेची थी को 1000 रुपए की रद्दी बिकी थी, सारी बुक छाप दी थी मैंने, दो दो तीन तीन चार चार बार, पांच पांच बार। तो अगर आपसे कोई आपका गोल पूछता है तो आपका गोल है 773 टॉपिक है जिनको 25 बार लिखना है, जिसको मैंने 10 बार लिख लिया है, अब खाली 15 बार लिखना है। वो टॉपिक्स कौन कौन से सर, इंग्लिश में तो टक 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 ये है, मैथ्स में टक 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 ये है, और बायोलॉजी में ये है। जैसे आपके क्लास के नाम सबके याद है, सबको सबके नाम याद है, उनको भूल जाइए। किताबी गोल क्या है, ये 773 टॉपिक, 773 की जगह 74 भी हो सकते हैं, 75 भी हो सकते हैं, आप गिनेंगे अपने आप। और वो कॉपी के अंदर नहीं होना चाहिए, आपका गोल क्या है, 773 टॉपिक्स। वेरी गुड, ठीक है, अच्छा लगा, नंबर दे दिया, थैंक यू।